नमस्कार, ममता के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन सूप। हेल्दी होता है, टेस्टी होता है, सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है पीने में। तो आइए देखें हमें चिकन सूप बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। चिकन सूप बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए वो ये है। सबसे पहले हम चिकन का स्टॉक बनाने के लिए सामान लेंगे। इसमें मैंने लिए है 200 ग्राम चिकन। बोनलेस में चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो हड्डी वाले चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्याज है जिसको मैंने एक मोटा मोटा काट लिया है। एक इंच अदरक का टुकड़ा चाहिए। एक गाजर है जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। और एक हरी मिर्च चाहिए मुझे। इससे मैं चिकन का स्टॉक बनाऊंगी। चिकन सूप बनाने के लिए जो मुझे सामान चाहिए वो ये है। मैंने लहसुन लिया है, 4 से 5 कलियाँ हैं जिसको मैंने काट लिया है। 2 हरी मिर्च मैंने काट ली हैं। एक गाजर है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। हरा प्याज है जिसका मैंने सफ़ेद हिस्सा अलग कर लिया और हरा हिस्सा अलग करके मैंने काट लिया है। एक अंडा लिया है साथ मैंने, और साथ में मैंने लिया 2 से 3 चम्मच बटर। मसालों में मुझे चाहिए नमक, काली मिर्च, सोया सॉस और सिरका। सोया सॉस और सिरका मुझे 1-1 चम्मच चाहिए। और इसी के साथ मैंने लिया है 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो आइए सूप बनाने की हम तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कुकर ले लिया है। इसमें 0.5 लीटर के करीब मैं पानी डाल दूंगी। चिकन डाल दूंगी इसके अंदर, प्याज, गाजर, अदरक और हरी मिर्च, ये सब मैं इसके साथ डाल दूंगी। इसी के साथ इसमें डालूंगी 0.5 चम्मच नमक। और इसको मैं 1 से 2 सीटी लगवा के इसको पकाऊंगी। चिकन को मैंने पूरी तरह से गलाना है। चिकन हमारा उबल गया है। मैंने चिकन स्टॉक को और चिकन को और जो सब्जियां थी उसको अलग कर लिया है। अब मैं चिकन इसमें से अलग करके उसको अच्छी तरह से मैश कर लूंगी। मैंने भारी तले की कढ़ाई ले ली है और इसको मैंने गैस पर रख दिया है। नॉनस्टिक कढ़ाई में नहीं बनाऊंगी मैं इसको। अब मैं इसके अंदर बटर डाल दूंगी सबसे पहले, और बटर को मैं पिघलने दूंगी, चलाती रहूंगी। बटर है बहुत जल्दी जल जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका बटर जल रहा है तो आप इसमें 1 चम्मच तेल डाल दें, जिससे आपका बटर जलेगा नहीं। बटर हमारा पिघलने लग गया है। अब मैं सबसे पहले इसके अंदर डालूंगी लहसुन। लहसुन हमारा हल्का हल्का भुनना शुरू हो गया। अब मैं इसके साथ इसके अंदर डाल दूंगी हरी मिर्ची। साथ में हरे प्याज का जो व्हाइट वाला हिस्सा मैंने काटा था वो डाल दूंगी। 2 मिनट इसको भून दूंगी ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। गैस को मैं मीडियम हीट पे कर दूंगी। इसी के साथ इसके अंदर डाल दूंगी अब मैं गाजर। गाजर और प्याज को भूनते हुए 2 मिनट हो गए। चिकन को मैंने इस तरह से मैश कर लिया है। अब मैं चिकन भी इसी के अंदर डाल दूंगी और इसको 2 मिनट मीडियम हीट पे मैं भूनूंगी। अब मैं इसके अंदर जो चिकन स्टॉक था वो सारा इसके अंदर डाल दूंगी। मैं और इसके उबाले आने का इंतज़ार करूंगी। मैंने इसमें गाजर डाली है, प्याज डाली है, आप चाहें तो इसमें कॉर्न भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, जो आपको सब्जी पसंद है आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर एक उबाला आने का इंतज़ार करूंगी। चिकन सूप को उबाला आना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर नमक डालूंगी। नमक मैं 0.5 चम्मच डालूंगी क्योंकि जब मैं स्टॉक बना रही थी उसमें भी मैंने नमक डाला था। अगर मुझे ज़रूरत होगी तो बाद में दोबारा डालूंगी मैं। इसी के साथ 0.5 चम्मच के करीब इसके अंदर काली मिर्ची डाल दूंगी। इसको 2 से 3 मिनट में मीडियम हीट पे पकने दूंगी। अभी सूप को उबाले आ रहे हैं, तेज गैस कर दिया मैंने। अभी 2 से 3 मिनट इसको तेज गैस पे ही पकाऊंगी। अब मैं सूप को 2 से 3 मिनट हो गया तेज गैस पे पकाते हुए। अब मैं इसके अंदर सोया सॉस डाल दूंगी। तो 0.5 चम्मच के करीब मैं इसमें सोया सॉस का इस्तेमाल करूंगी। साथ में 0.5 चम्मच के करीब मैं इसमें सिरका डाल दूंगी। इसी के साथ कॉर्नफ्लोर को मैंने घोल लिया था। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके ताकि उसमें लम्स नहीं बने।
गैस को मैंने आस्ता कर दिया है, कॉर्नफ्लोर को मैंने घोल दिया था। अब मैं एक हाथ से इसमें कॉर्नफ्लोर डालूंगी, दूसरे हाथ से इसको चलाती रहूंगी ताकि इसमें लम्स नहीं बने। दो मिनट इसको चलाऊंगी ताकि जो कॉर्नफ्लोर हमने डाला है वो पक जाए। इसके साथ अब मैं इसको, दो मिनट हो गया कॉर्नफ्लोर को पकाते हुए, अब मैं इसके अंदर सबसे पहले डालूंगी हरे प्याज थोड़े से, और इसी के साथ मैं अंडा डाल दूंगी। अंडे का मैं व्हाइट पार्ट डालूंगी, येलो पार्ट को मैंने हटा दिया, तो ये थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। इसको लगातार चलाती जाऊंगी ताकि इसकी गुठलियाँ नहीं बने। गैस को भी आस्ता ही रखूंगी मैं। आप देख सकते हैं सूप हमारा बनकर तैयार हो गया। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसको मैं एक बाउल में निकाल लूंगी, सूप बाउल में। हमारा चिकन सूप बनकर तैयार हो गया है, अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूंगी। इसी के साथ मैंने मार्केट में, अगर आप सूप लेने जाते हैं तो सिरके के अंदर प्याज और हरी मिर्च डाल कर देते हैं कि अगर आपको सूप को खट्टा करना है या तीखा करना है तो आप ये डालकर इसको खा सकते हैं। तो ये भी मैंने इसके साथ बना लिया है। हमारा चिकन सूप बनकर तैयार हो गया है, काफ़ी हेल्दी होता है, टेस्टी होता है, सर्दियों में बहुत पसंद आता है। लास्ट टाइम मैंने आपको टोमेटो सूप के बारे में बताया था, इस बार चिकन सूप के बारे में बताया है। बहुत जल्दी मैं आपको वेजिटेबल सूप के बारे में भी बताऊँगी। आप मेरे बनाए सूप को एक बार अपने घर में ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरा बनाया चिकन सूप पसंद आया तो ममता के किचन को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई डिश के साथ। नमस्कार।